सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बात याद रखना मेरी माँ, सबसे बलवान होता है समय। पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वान। सबसे बलवान कौन है मेरी माँ? जोर से क्या? समय। जरूरी नहीं है कि जो समय आज आपका है वही समय कल भी आपका हो। क्या आवश्यक है मैया जी? भैया, क्या ये जरूरी है कि जैसा आज आपका समय है ऐसा कल भी हो? इसलिए कहता हूं, समय का दुरुपयोग ना कीजिए। समय किसी का एक सा नहीं रहा, समय सदा किसी का एक सा नहीं रहा। समय सबका बदला है। जो कल राजा थे वो आज रंक हो गए, और जो कल रंक थे वो आज राजा हो गए। जो अमीर थे वह आज गरीब हो गए, जो गरीब थे वह आज अमीर हो गए। ऐसा आपकी नजर में कितने केस होंगे? मेरी नजर में बहुत लोग हैं जो पहले कुछ और थे, जिनका पहले डंका बजता था। कितने धनाढ्य ऐसे थे जिनके पास खूब पैसा था, आज उनकी संतानों को दो दो वक्त की रोटी के लिए सोचना पड़ रहा। और ऐसे कितने लोग थे जो एक टाइम खा के सोया करते थे, आज उनके घर में राजसी भोग बन रहे हैं 56 प्रकार के। समय सबका बदला है। चाहे हरिश्चंद्र का समय हो, समय तो भगवान राम का भी बदला है। हर दिन वो वनवास के थोड़ी रहे, राजा भी तो बने राम जी। समय रावण का भी बदला है। रावण की आंखों के सामने 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती मर गए। जिन बच्चों का बड़ा घमंड था रावण को, वो घमंड आंखों के सामने टूट गया। समय रावण का भी बदला है। समय तो भगवान राम का भी बदला है, जंगल से वो राजा भी बने हैं। तो राम भगवान का समय बदला, समय रावण का बदला, समय हरिश्चंद्र का बदला, समय आपका बदलता है, समय सबका बदलता है। इसलिए समय सबका एक सा रहेगा ये कभी नहीं सोचना चाहिए। इसलिए जब समय आए उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि आज अच्छा समय है, कल कैसा समय आएगा ये भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता। इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय है उसका सदुपयोग कीजिए। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है कि मेरे बाप का समय था तो मेरा भी समय रहेगा। क्या ये जरूरी है? बोलो मेरी माँ। इसलिए समय किसी के बाप की बफौती, समय तो समय है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात, समय समय पर होता है, समय समय की बात। समय है। एक समय वो था जब आप 8 रोटियां खा लेते थे। एक समय वो था जब आप 5 किलोमीटर तक कंटिन्यू दौड़ते थे फिर भी थकते नहीं थे। एक समय वो था जो आप दिन भर काम करते थे थकते नहीं थे। आज एक समय ये है, 4 सीढ़ियां चढ़ लो तो आपको सांस भरने लग जाती है। वो भी आपका समय था और ये भी। बोलो हाँ। समय है। समय ने आपको जवान बनाया, समय ने आपको बूढ़ा बनाया, समय ने आपको बीमार बनाया, समय ने आपको स्वस्थ बनाया। क्यों? ये समय तो है। एक समय था कि आप लोगों के बाल काले थे, एक समय ये है कि आपकी मूछें भी सफेद हो गई हैं। किसने किया आपकी मूछें सफेद? किसने कर दी दादाजी आपकी मूछें सफेद? किसने की? पड़ोसी ने? हाँ, किसने की? समय ने। समय ने मूछें सफेद कर दी, समय ने दांत गिरा दिए, समय ने घुटनों में दर्द प्रकट कर दिया, समय ने आज ये स्थिति कर दी
कि आज आदमी बिस्तर से अपने से उठ नहीं पाता। जो आदमी दौड़ दौड़ के सारा काम करता था, आज उसे बिस्तर से उठने के लिए एक लोगों की, दो लोगों की, चार लोगों की जरूरत है। क्या संसार में ऐसे लोग नहीं है? समय ऐसा आता है लोगों का, अपने हाथ से खा नहीं पाते, उनको खिलाना पड़ता है। ये समय ही तो है, बोलो हाँ या ना। समय कब कैसा हो जाए, किसका हो जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए जो समय ईश्वर ने दिया है, उस समय को भगवान के चिंतन में खर्च करना चाहिए, भगवान में लगाना चाहिए। समय व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। एक राजा था, ये दुनिया की एक सांसारिक बात मैं आपको सुना रहा हूं, शायद कुछ समझ में आवे, समझिएगा। एक राजा थे, उनकी बड़ी सुंदर रानी थी। रानी, राजा बहुत अच्छे से रहते, राजा बड़ा प्यार करते थे रानी, क्योंकि रानी बहुत सुंदर थी। सुंदर थी रानी, इसलिए राजा बड़ा पास में था, बड़ा प्यार। बहुत समय बीतने के बाद अचानक रानी को पता नहीं क्या हो गया, रानी को एक रोग हो गया। वो सफेद दाग हो जाते हैं ना, सफेद दागों वाला रोग रानी को हो गया। रानी के शरीर में सफेद सफेद दाग होने लगे। जब दाग होने लगे तो उनकी सुंदरता ढलने लगी, जरा कम होने लगी, तो राजा का अटैचमेंट उस रानी से कम होने लगा। अब राजा अपनी दूसरी रानियों के संग ज्यादा रहने लग गए, उससे जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, अब राजा उससे दूर होने लग गए। और वो रानी उदास होने लगी कि मेरे शरीर में इतना ये निशान, अच्छा केवल निशान नहीं आए, शरीर में फोड़े होने लगे, और वो पक करके मावाद गिरने लगी, शरीर से दुर्गंध सी आने लगी। अब तो उसके पास कोई नहीं जाता, राजा तो देखता भी नहीं है। अब रानी को बड़ी गिलानी हुई कि राजा मेरी तरफ देखते भी नहीं और मेरा शरीर व्यर्थ हो गया, अब एक काम करती हूँ, मैं आत्महत्या कर लेती हूँ। तो रानी आत्महत्या करने चली, अपना राजमहल छोड़कर, अपना राजद्वार, अब तो उसकी तरफ कोई देखता नहीं था, कहाँ जा रही है कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, क्योंकि वो पहले सुंदर थी, अब तो सुंदर नहीं है। चल पड़ी, महलों से निकल पड़ी और जंगल में जा करके वो आत्महत्या, एक बड़ा सा कुंड था उसमें कूद कर मरना ही चाहती थी कि वहां पर एक संत जी बैठे थे। संत जी ने कहा, देवी कौन हो? पूरा पता बताया, महाराज मैं फलानी की रानी हूं, मैं आज ये स्थिति है कि मैं ये देखिए शरीर में क्या हो गया है, राजा अब मुझे देखते भी नहीं, जब तक शरीर में सुंदरता थी। एक बात बताएं, ये लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप में कुछ है, आप में कुछ नहीं है तो आपको कौन देखेगा? आपके पास पैसा हो तो लोग आपको देखेंगे, आप में शरीर में ताकत हो तो लोग आपको देखेंगे, आप में सुंदरता हो तो लोग आपको देखेंगे, कुछ भी नहीं है तो कौन देखने वाला है? क्योंकि ये दुनिया आपको देखती इसलिए है क्योंकि उसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। इस धरती पर सब लोग स्वार्थी ही तो हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। रानी बोली, मर जाऊंगी। संत बोले, मत मर, मैं तुझे ठीक कर सकता हूं, पर एक वचन देना पड़ेगा। रानी बोली, बिल्कुल मैं आपकी बात मानूंगी, आप मुझे स्वस्थ कर दीजिए, मैं आपको वचन देती हूं, जो आप कहेंगे मैं वो करूंगी। संत जी ने कहा, मैं तुझे स्वस्थ कर दूंगा, पर वचन ये दे कि अब जो तेरा शरीर है, बचा हुआ तेरा समय है, पूरा समय अपने शरीर से केवल भगवान का चिंतन करेगी, केवल तू रघुनाथ जी का ध्यान करेगी, केवल राम का ध्यान करेगी, केवल भगवान के चिंतन में अपना शरीर लगाएगी। यदि तू मुझे ये वचन देती है तो मैं तुझे स्वस्थ कर दूंगा, बचा हुआ समय तू भगवान के हवाले करेगी। उसने कहा, मैं आपको वचन देती हूं, आप मुझे, संत जी ने कहा, जिस कुंड में तू कूदना चाहती थी उसी कुंड में स्नान कर ले, तू स्वस्थ हो जाएगी। वो गई, स्नान की, बिल्कुल सुंदर, पहले से जवानी में जितनी सुंदर थी उससे भी ज्यादा सुंदर होके संत प्रभाव से निकल के बाहर आ गई। ये बिल्कुल सत्य घटना है, सत्य घटना है। निकल कर बाहर आई, बड़ी सुंदर हो गई,
कहने लगी, महाराज अब मुझे अपने चरणों में ही रख लो, मैं यहीं आपकी सेवा करूंगी, आपके संग भजन करूंगी। संत जी ने कहा तू अपने राज्य में जा और वहां रह के भजन करना, पर भगवान को ना भूलना। चली वापस। जब वो घर गई तो उसके पति राजा ने देखा, वाह तो बड़ी सुंदर। राजा फिर फुदक के वापस आ गया, बड़ी सुंदर हो गई हो, कहां गई थी, ये कहां से मिल गया शरीर इतना सुंदर तुम्हें। उसने कहा, राजा को उसने ज्यादा भाव नहीं दिया, उसने कहा महाराज अब आप अपना काम कीजिए, मेरा जो बचा हुआ समय है मैं भगवान की आराधना में लगाऊंगी, मेरे शरीर पर अब आपका कोई अधिकार नहीं है, मैं अपने शरीर से, मैं अपनी वाणी से, मैं अपने वचन से, मैं अपने कर्म से अब केवल रघुनाथ जी की बन करके रहूंगी, रघुनाथ जी का चिंतन करूंगी, मुझे अब आप त्याग दीजिए जैसा त्याग दिए थे। राजा दूर हट गए, वो अपना महलों में रह के भजन करती है और उसने अपनी बची हुई सांसें भगवान के हवाले की। संसार के बन के कब तक रहोगे, जब तक शरीर अच्छा है लोग देखते हैं, शरीर बूढ़ा हो गया कोई नहीं देखता, इसलिए मन भोगों में ना लगाकर भजन में लगाया जाए, भोगों से तो मन किसी का भरा ही नहीं तो तुम्हारा क्या भर जाएगा, इसलिए ये भोग विलास हम सबको ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, मत लूटो, मत अपने आप को अपना समय जाने दो, समय भगवान के चरणों में समर्पित करो, बचा हुआ समय है ना, कितना खुश करोगे अब संसार के लोगों को, ये कभी खुश हुए हैं, कौन खुश हुआ है बताओ, सिर काट के रख दो आप संसार के लिए फिर भी ये लोग खुश नहीं हो सकते। पत्नी पति को कितना भी खुश करे, पति पत्नी को कितना भी खुश करे, पर फिर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है किसी ना किसी से, और वो कमी आदमी सारी जिंदगी गिनाता है, तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है। बाप अपने बेटों को कितना भी धन दे दे उनको खुश करने के लिए, फिर भी आजकल के कुछ बच्चे यही कहते हैं हमारे बाप ने हमें दिया ही क्या है। माँ अपने पेट फाड़वाती है बच्चों के लिए, माँ कितना दर्द सहती है बच्चों के लिए, पर वही बच्चे बड़े होकर कहते हैं तुमने क्या किया हमारे लिए। तो आप सिर काट के रख दीजिए साहब, ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, चाहे कोई हो सब स्वार्थी ही है, बेटा हो बेटी हो, है ना, इसलिए दुनिया को खुश करने चलेंगे तो आपको करोड़ जन्म लेने पड़ेंगे फिर भी दुनिया खुश नहीं होगी, और गोविंद खुश हो गए तो फिर किसी और को खुश करने की जरूरत नहीं है। मीरा ने भगवान को खुश कर लिया, उसने किसी की परवाह नहीं की। नरसी जी ने भगवान को खुश कर लिया, उसने उन्होंने किसी की परवाह ना की। आप और हम भी समझें अब इन बातों को, संसार के चक्कर में ना पड़ो, ये संसार कभी किसी का नहीं हुआ, मेरी मां तुम्हारा नहीं हो सकता।